आज मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लालजी टंडन शपथ लेंगे। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर राजभवन की ये तस्वीरें, और राजभवन से सीधे आपको दिखा रहे हैं थोड़ी ही देर के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल शपथ। रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा मुझ पे निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री लालजी टंडन को उस तारीख से मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करता हूँ जिस तारीख को वो अपना पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत का गणराज्य के 70वें वर्ष में आज सन 2019 ईस्वी के जुलाई मास के 20वें दिन 29 आषाढ़ 1941 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से जारी। हस्ताक्षर भारत का राष्ट्रपति। माननीय मुख्य न्यायाधिपति, निवेदन है कि अब आप मनोनीत राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण कराएं। मैं लालजी टंडन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के शर्तों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रदर्शन करूँगा। मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्यपाल लालजी टंडन जी ने शपथ लिया। और अगर लालजी टंडन जी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। 12 अप्रैल 1935 को इनका जन्म हुआ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर जुड़ रहे हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल ने शपथ लिया है आज। बिल्कुल, देखिए 28वें राज्यपाल है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन। और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे हैं और कल ही भोपाल आना हुआ था लालजी टंडन का। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा जो बीजेपी के सीनियर नेता है, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, इसके अलावा कई मंत्री जो है प्रदेश सरकार के, वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे हैं। लालजी टंडन उत्तर प्रदेश में सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी के काफी सीनियर लीडरों में उनकी गिनती होती है। और मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के लिहाज से अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पद पर उनके शपथ लेना निश्चित तौर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे में प्रशासक की भूमिका किस तरीके से लालजी टंडन मध्य प्रदेश के अंदर निभाते हैं, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। बतौर बिहार के राज्यपाल रहते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय उनके द्वारा लिए गए थे, मध्य प्रदेश के अंदर उनका कार्यकाल कैसा रहेगा इस बात पर सबकी निगाह बनी हुई है। मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने लालजी टंडन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई है। आगे अब सबकी निगाह उनके कार्यकाल को लेकर रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जो विधेयक है, कई महत्वपूर्ण बिल है जो राज्य सरकार के द्वारा पारित किए जाने हैं, वो राजभवन के अंदर लंबित है। और पिछली जो राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, उनके ऊपर कांग्रेस के
जो नेता थे उनके द्वारा ये आरोप लगाए जाते थे कि जानबूझकर मध्य प्रदेश के जो बिल और विधेयक थे उनको लंबित किया जाता था। ऐसे में जो कांग्रेस की सरकार काम करना चाहती थी उसमें अड़चन लगाने का काम जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। अब देखना होगा कि सरकार के साथ में किस तरीके से सहयोगात्मक रवैया लालजी टंडन का रहता है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक सरकार चल रही है, खासकर कहना चाहिए समर्थन के साथ में, उसको लेकर क्या निर्णय आगे लालजी टंडन अगर जरूरत पड़ती है तो लेने वाले हैं। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लालजी टंडन के पास में रहेंगी जो कि बतौर प्रशासक मध्य प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको निर्णय लेना होगा। देखना होगा कि किस तरीके का कार्यक्रम रहता है। पर लेकिन आज अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव एसआर मोहंती के अलावा कई विभागों के प्रमुख सचिव, इसके अलावा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनका स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जो है वो स्वागत कर रहे हैं। सरकार में बीजेपी के सीनियर मंत्री नरोत्तम मिश्रा, देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। सुहास भगत संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के। इसके अलावा भोपाल के महापौर, भोपाल की सांसद साधी प्रज्ञा मौजूद है, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। अगर कांग्रेस की ओर से हम बात करें, सरकार की ओर से बात करें, तो प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, इसके अलावा बात की जाए पीसी शर्मा, सुखदेव पांसी, ये तमाम मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के लिहाज से काफी ज्यादा अहम तस्वीरों में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो सह प्रभारी थे नरोत्तम मिश्रा, वो तमाम बीजेपी के उन नेताओं से मुलाकात करा रहे हैं। दिग्विजय सिंह से देखिए आप, मतलब जो दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, ऐसे में लालजी टंडन उस समय बीजेपी के सीनियर नेता थे और सरकार को लेकर जो सीधी लड़ाई थी कांग्रेस के साथ में उस समय एक का जो दौर था, उसके बाद अब बतौर राज्यपाल उनकी नियुक्ति होना और हंसी टिटोली आप देख सकते हैं कि जो पुराने कार्यकाल को लेकर जो कहीं ना कहीं चर्चा दिग्विजय सिंह ने जरूर की होगी लालजी टंडन से, पर लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद में रचना अगर बात करें तो सबकी निगाह इस बात को लेकर है कि बतौर प्रशासक मध्य प्रदेश के जो कई जो सरकार के साथ में कदमताल मिलाकर उनको चलना है वो किस तरीके से चला जाएगा, क्योंकि अदावत मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है। सरकार के साथ में जो घटनाक्रम बीते दिनों हुए, खासकर विधायकों के जो एक बागी होने का जो फैसला था बीजेपी का, उसमें राज्यपाल की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अगर बीजेपी के ये विधायक नहीं मानते हैं तो उनकी सदस्यता को लेकर जो निर्णय होना है उसमें राज्यपाल की भूमिका काफी ज्यादा अहम रहेगी। ऐसे में सरकार को समर्थन या फिर सरकार के खिलाफ जो एक बात बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही जा रही है उसको लेकर भी सबकी निगाह बनी हुई है। पर जो बीजेपी के लोग हैं, खासकर नेता हैं, वो काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं इस नए राज्यपाल लालजी टंडन से, क्योंकि राजनीतिक अनुभव उनका काफी ज्यादा है। बतौर राजनेता बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश में मजबूती देने का काम किया है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नजर आती है उसके पीछे लालजी टंडन का भी एक बड़ा योगदान रहा है। और यही वजह है कि उनको जब बिहार का राज्यपाल बनाया गया था तो ये माना गया था कि उम्र का तकाजा देखते हुए भले ही सक्रिय राजनीति से उनको दूर किया जा रहा है, पर लेकिन बतौर जो एक सरकार में भागीदारी है बीजेपी की, चाहे वो जो निर्णय लेने की जो एक भागीदारी है उसमें लालजी टंडन को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया गया है। और ऐसे में बिहार के राज्यपाल के बाद में मध्यप्रदेश के जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी उनको देना, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि लालजी टंडन के अनुभव का लाभ बीजेपी मध्यप्रदेश में लेना चाहती है। और यही वजह है कि मध्यप्रदेश में जिस तरीके से लगातार राजनीतिक घटनाक्रम चलते रहे हैं उसके मद्देनजर अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक सशक्त राज्यपाल की जरूरत मध्यप्रदेश के अंदर महसूस की जा रही थी, खासकर बीजेपी के लिहाज से। ऐसे में लालजी टंडन की नियुक्ति काफी ज्यादा अहम रखती है। और देखें ये तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है बीजेपी के तमाम नेताओं के बाद अब मुख्यमंत्री कमलनाथ वो राज्यपाल की स्वागत के लिए पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एनपी प्रजापति, इसके अलावा बीजेपी के नेताओं के बाद में अगर बात करें तो कांग्रेस के जो सरकार के मंत्री हैं अब उनके द्वारा स्वागत का सिलसिला राज्यपाल का किया जा रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं एपी सिंह, सुखदेव पांसे सरकार के मंत्री हैं, हुकुम सिंह कराना, इसके अलावा कांग्रेस के कई सीनियर लीडर भी राज्यपाल की यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। रचना जी, तो सीधे आपको इस वक्त दिखा रहे थे हम राजभवन से, जहां पर मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लालजी टंडन जी ने शपथ लिया और तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बधाइयों का दौर चल रहा है। भोपाल से सीधे आपको ये एक्सक्लूसिव सीधी खबरें दिखा रहे हैं। लालजी भाई टंडन की बात करें तो 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ। स्नातक तक की इन्होंने शिक्षा ली
1960 में इनका राजनीतिक सफर जो है वो शुरू हुआ।